वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देने की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या परिस्थितियां आज के दौर में देखते हैं? बच्चे मोबाइल बहुत यूज करने लगे हैं और अब वो फिजिकल गेम की बजाय मोबाइल पर गेमिंग ज्यादा करते हैं, उनका जो फिजिकल वर्क है वो वीक हो गया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों होता है। एटॉमिक एनर्जी से जब आप ऊर्जा बनाएंगे तो सृजन हो गया, और उसी को आप बम बना के छोड़ देंगे तो नाश हो जाएगा। और दोनों चीजों में मतलब दिमाग तो है ही है, अब उसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लगा लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लगा लिया तो वो भी। आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि न सौ पढ़ा न एक प्रताप रहा। आप किसी भी महापुरुष का उसका अगर लाइफ का स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रगल टाइम सबके साथ, संघर्ष सबके साथ रहा है। पैसे की वजह से कोई आदमी की पढ़ाई बाधित, अगर वो पढ़ना चाह रहा तो बाधित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका संबंध ग्रामीण इलाके से है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर, अपने शिक्षा के दम पर ऊंचाई हासिल की है। ऐसे चंद्रभूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, तमाम अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त परिवहन आयुक्त के पद पर आसीन है। आपको जो है निर्वाचन आयोग ने भी सम्मानित किया है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए मुजफ्फरनगर के DM रहते हुए आपको सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण एक बहुत वृहद पहलू है और आज की मांग भी है। ऐसे में आपने बहुत ही अच्छा काम सर किया है, तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको मैं बधाई दे देता हूँ। और परिवहन व्यवस्था कैसे बेहतर हो इसके लिए भी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज का माहौल है और आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उससे रिलेटेड होकर के आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने शुरुआत की, अर्ली लाइफ आपकी कैसी रही, कैसे जब आप छोटे थे तो गांव में पढ़ने जाते थे तो क्या माहौल था, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, हम लोग तो प्रतापगढ़ के ग्रामीण परिवेश के रहे, प्रतापगढ़ के गांव में, हालांकि हमारा गांव जो है शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वो रहा है और वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला था। और आपको इसी बात से होगा कि जब बताते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध में गाँव के कुछ लोग गए थे और जब वो लौट के आए तो क्योंकि उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन किया था तो अंग्रेज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ के, उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप क्या मांगते हो, तो गांव के लोगों ने वहाँ पे प्राइमरी विद्यालय की मांग ली थी, तब से वहाँ प्राथमिक विद्यालय रहा। फिर गांव के ही लोगों ने प्रयास करके, लोगों से चंदा इकट्ठा करके, ज़मीनें मांग करके गाँव में भी उन्होंने एक इंटर कॉलेज की स्थापना कराई। और शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग बहुत बचपन में थे, जब वहाँ पे जो टीचर रहते थे गांव वाले ही जो फीस इकट्ठा होती थी या गांव वाले ही सब अनाज अनाज इकट्ठा करके देते थे, उससे उनका जीवन यापन होता था। और इतना कमिटमेंट था पढ़ाई को लेकर के कि जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिनका बोर्ड होता था उन बच्चों को स्कूल में रुकवाया जाता था और दिन में तो स्कूल में पढ़ाई होती ही होती थी, रात में भी उनका सुपरविजन होता था। इस तरह के माहौल में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू किया और एक तरह से कमिटमेंट था। और ये था कि पढ़ाई की, चूँकि पूर्वांचल में वैसे भी आप देखेंगे कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं और ज़्यादा वहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिक्षा पर आधारित है और एक तरह से मनी ऑर्डर अकाउंट भी करते हैं लोग वहाँ पर। मनी ऑर्डर आपका 30 तारीख को बाद आएगा तो घर का खर्चा चले, तो इस टाइप का जो है माहौल था। तो हम लोगों ने पढ़ाई का, जो स्कूल का माहौल, जो गाँव का माहौल और जिस तरह का एक समर्पण और डेडिकेशन था एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मुझे याद है कि एक गांव के ही हमारे गांव के रहने वाले थे जो इंटर कॉलेज, PV कॉलेज था, इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, उन्होंने पूरे क्षेत्र में चंदा लेकर के या गांव के जो लोग बॉम्बे में सर्विस करते थे उनके यहाँ जा जा करके गांव वालों से बांस और बल्ली मांग करके छप्पर बना करके इस तरह से विद्यालय शुरू किया। तो ऐसे माहौल में हम लोग वहाँ पढ़े और उस दौरान जो वहाँ पर एक आदर्श जो प्रतिमान थे, जैसे गाँव के लोगों का समर्पण, गाँव के बुजुर्गों का समर्पण और एक प्रतियोगिता की भावना, शिक्षकों का भी और छात्रों दोनों का समर्थन वो था। और उस माहौल में हम लोग पढ़ करके आगे बढ़े। मैं ही नहीं, मेरे परिवार में हम लोग जितने भाई थे, हमारे से एक बड़े भाई रहे वो भी यहाँ पे, आपके यहाँ DIG हो के रिटायर हुए, जिसी तरह से गांव के भी बहुत सारे लोग, कम से कम ऐसे अधिकारी जो IG तक भी गए, बहुत सारे लोग IAS में रहे और सेना में बहुत सारे सर्विसेज में, इसी सिर्फ शिक्षा दीक्षा की वजह से रहे। और गांव का जो नाम प्रतापगढ़ जिले में, आप भी किसी से पूछेंगे तो उस गांव को जानता है और इसी आधार पे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और
शैक्षणिक माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरा सौभाग्य ये है कि मैं आपके गांव के इंटर कॉलेज में भी गया हूँ। जी जी, वहाँ एक कार्यक्रम मैंने किया था, तो वहाँ मैं गया हूँ। वाकई में जो आप बता रहे हैं वो सब मैंने देखा है। एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है आपके गांव में मुझे देखने को मिली। आपके गांव में एक जो है वो भी है, मेडिकल सुविधा भी है बहुत अच्छी, होम्योपैथ की भी सुविधा आपके गांव में है। नहीं, गांव का देखिए, शुरू से मैंने बताया कि जो गांव के लोग पढ़ाई लिखाई का जो माहौल था, लेकिन बस उसमें सबसे जो एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि जो लोग गाँव से पढ़ करके और गाँव से निकले, उन्होंने गांव और उस क्षेत्र के विकास के तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। यद्यपि मैं, हम और हमारा परिवार शुरू से ही हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी हम लोगों ने गांव में, चाहे गांव के डेवलपमेंट का बात हो या इवन शैक्षणिक क्षेत्र में भी, लगातार हम लोग प्रयास करके उस माहौल को, जो आप प्रतापगढ़ के बारे में जो प्रतापगढ़ की पहचान और खाती है, जो वहाँ की एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन वहाँ की लाइफ लाइन है, अगर वो चीज़ वहाँ से चली जाती है तो फिर कुछ नहीं बचेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी गरिमा है उसको वापस लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम लोग गाँव में निरंतर संपर्क में रहते हैं, वहाँ जाते हैं और हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। गाँव के लोगों के रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, टेक्निकल एजुकेशन में जो बेहतरी हो सकती है उसमें हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। आपने सर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात कही। विद्यालयों में, समाज में जिस तरह से वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देने की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या परिस्थितियां आज के दौर में देखते हैं? देखिए, आज जो चीज़ें हमको दिखाई देती, जो सबसे बड़ी आज सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं उन्हीं का चरण सबसे ज़्यादा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखो, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में कि कलयुग में माता पिता बाल के ही बोला मैंने उधर भरे सो कर्म सिखाओ, कि माता पिता पुत्र को संस्कारों और अच्छा व्यक्तित्व तो प्राप्त करने की शिक्षा नहीं देते। पहले शिक्षा का उद्देश्य होता था एक आदर्श व्यक्तित्व तो का निर्माण जी, आज उसको व्यवसायीकरण हो गया, उसका एक नौकरी से जोड़ दिया गया। इसीलिए आप देखिए गाँव में गुरु शिष्य परम्परा नष्ट हो रही है, माता पिता का सम्मान नष्ट हो रहा है। गाँव में क्या हर जगह समाज में आप देख रहे होंगे माता पिता का सम्मान खत्म हो रहा है। पहले आप देखिए, भगवान राम ने जब सबरी माता को उपदेश दिया है लौंडा भक्ति का, तो उसमें तीसरी जो भक्ति उन्होंने बताई है कि गुरु पद पंकज, गुरु के पद, गुरु की के चरणों की सेवा, और गुरु और माता पिता, तीन चीज को उन्होंने हर जगह गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है कि माता पिता जो आपको संसार में लाने का काम करते हैं, गुरु जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में आपको शिक्षा देता है। तो अगर हम तीनों के प्रति आपके मन में सम्मान रहेगा तो निश्चित रूप से समाज में ऐसे मतलब एक व्यतिक्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। बच्चे मोबाइल बहुत यूज करने लगे हैं और अब वो फिजिकल गेम की बजाय मोबाइल पर गेमिंग ज्यादा करते हैं, उनका जो फिजिकल वर्क है वो वीक हो गया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, हम लोग भी देखते हैं सोसाइटी में बच्चे, बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मोबाइल वो कितना यूज करें, कितना बेनिफिशियल है उनके लिए, और फिजिकल एक्सरसाइज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इसमें दो चीजें हैं। जो समाज के स्थापित मूल्य हैं वो कभी नहीं बदलते। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, जो चार युग है, ये हर युग में रहते हैं। गोस्वामी जी ने खुद कहा है ये चारों युग हर समय रहते हैं, और हर तरह के व्यक्ति और आपके ऊपर है कि आप किस समय में रहना चाहते हैं। जी देखिए, कभी भी तकनीकी, आप उस समय भी त्रेता का भी ले लेंगे वर्णन और द्वापर का भी ले लेंगे, तो ऐसा लगेगा आपको कि टेक्नोलॉजी आज की उनकी जो साइंस टेक्नोलॉजी थी हमसे ज़्यादा एडवांस। जी आप देखिए, उस समय सब विभिन्न बाढ़ भी चलते थे, ऋषि मुनि जो है अपने मंत्रों के माध्यम से देवताओं से बात भी कर लेते थे, ऐसा उदाहरण। और ये इसमें सच्चाई है, धीरे धीरे वो चीज़ें प्रूव हो रही। तो अभी ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसा लगता है कि हम लोग उस समय से बहुत आगे नहीं गए। जी तो ऐसी स्थिति में अगर तकनीकी, देखिए मनुष्य का तो सामान्य स्वभाव है कि वो हमेशा प्रगति करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और उस प्रगति को अगर आप अपने विकास में, अपने 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 व्यक्तित्व के विकास के जैसे साधन बना लेंगे तो आपके लिए वो लाभदायक होगा। तकनीकी आपके लिए हमेशा लाभदायक है, लेकिन उसका सदुपयोग, सदुपयोग होना चाहिए ना कि दुरुपयोग होना चाहिए। देखिए आपको एक उदाहरण दूंगा, उससे इससे स्पष्ट हो जाएगा। जब हम लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे थे, खास करके UPSC का, तो उस समय हम लोगों का जो सिलेबस होता था उसके मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलते थे। मतलब क्या पढ़ना है वो हम लोग ढूंढते रह जाते थे, मिलता नहीं था, किताबें बहुत लिमिटेड थी,
और बहुत स्रोत बहुत लिमिटेड थे, अखबारों को खोजते थे, कभी जनरल खोजते थे। आज आपको इंटरनेट पे चले जाइए, सब कुछ मिल जाए आपको। आज आपके पढ़ने की समस्या है, मटेरियल सारे उपलब्ध हैं और वो इस जो आधुनिक टेक्निक है उसी ने उसको आसान बनाया और उसका एडवांस फायदा भी। आप देखिए आज की तारीख में बच्चे, आप देखो आप बात करेंगे आपसे कई गुना ज़्यादा वो आगे हैं। लेकिन देखिए शिक्षा अगर संस्कारों के साथ होंगी तो वो शिक्षा वैल्यूएबल हो जाएगी। अगर शिक्षा संस्कार के साथ नहीं होगी तो फिर वो डिप्रेशन का कारण होगी, एंग्जाइटी का कारण होगी और बहुत सारी उसके साथ प्रॉब्लम होगी। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि न 100 पढ़ा न 1 प्रताप गढ़ा। मतलब जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात अभी आपने जो कही है, एक है कि थियोरेटिकल नॉलेज, एक है उसको प्रैक्टिकल में उतार लेना। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है यानी कढ़ा जिसको बोलते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, स्किल को आप कहाँ देखते हैं? देखिए प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ाई पैदा भी हुआ, वहीं पढ़ाई करी, उसके बाद आज भी हम लोग उससे संपर्क में रहते हैं। तो एक इंटेलिजेंट जैसे कहते हैं ना कि एक पढ़ाई लिखाई का स्तर लेवल रहा, लेकिन कभी कभी जब पढ़ाई लिखाई जो है वो रचनात्मक ना होकर के कभी कभी वो उसमें चली जाती है। मतलब एक चीज़ है, एक तरफ तो आप किसी चीज़ से सृजन कर सकते हैं दिमाग से, आप जैसे आप एटॉमिक एनर्जी का ले लें, एटॉमिक एनर्जी से जब आप ऊर्जा बनाएंगे तब तो सृजन हो गया और उसी से उसी को आप बम बना के छोड़ देंगे तो विनाश हो जाएगा। तो आप बुद्धि को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना और नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना दोनों चीज़ें होंगी, और दोनों चीज़ों में मतलब दिमाग तो है ही है, अब उसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लगा लिया तो क्रिएटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लगा लिया तो वो भी। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होने लगती हैं जो जिसके बारे में सारी बातें कही जाती हैं। पर मुझे इस बात का गर्व, देखिए राजनीतिक रूप से भी जागरूक, शैक्षणिक क्षेत्र में भी जागरूक और लोग वहाँ पे एडवांस में सोचते हैं। जैसे मतलब हम लोग अभी जैसे यहाँ बैठे हैं, आज के बात करें नहीं, आज के 20 साल 50 30 साल आगे की जो कढ़ा की बात होती है कि वो स्किल डेवलपमेंट जो है उनका स्किल बहुत बेहतर है जिस भी क्षेत्र में है। तो मैं ये बच्चों को यही बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो हम पढ़ाई की दिशा में, हो सकता है कि हमारा उतना ब्रेन वर्क ना कर रहा हो, तो हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या इस तरह की और भी चीज़ों में, अगर आप बच्चों को बताना चाहें कि किन किन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि आज ये सिद्ध कर दिया है समय ने कि टैलेंट जो है वो उसका कोई एक क्षेत्र नहीं है। और टैलेंट अगर आप, मैं तो हर आदमी को मानता हूँ कि हर व्यक्ति में समान क्षमता है। जैसे आपने देखा वो ब्रैडली की फिलोसफी है, माय स्टेशन एंड ड्यूटीज इन सोसाइटी, वो कहते हैं हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान है समाज में और वो आया है कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी एक विशिष्ट चीज़ भगवान ने दी है। आप देखिए इतने सारे इंसान धरती में किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, तो प्रकृति ने सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं, विशिष्टियाँ दी हैं। अब उसको सही माहौल और सही दिशा देना हमारा काम, मैं हम लोग यही कोशिश करते हैं। आज भी एजुकेशन के क्षेत्र में तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि देखिए मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी का जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिविल सर्विस में है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा करके अच्छा काम करके अपना नाम बना सकते हैं। और आज ये चीज़ें खेल में भी लोग आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में, आप देखिए आर्ट में, कल्चर में, अब यहाँ पे आप हर जगह देखिए, मैं तो देखता रहता हूँ कि किसी में असीमित मतलब किसी में किसी व्यक्ति में कम क्षमता नहीं है। तो वो चीज़ आज की तारीख में मेरा जो नई पीढ़ी है आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल टैलेंटेड में देखिए आप ऊर्जा को, अगर आप ऊर्जा को बिखरने देंगे तो वो फिर उसका कोई उजूज नहीं हो पाएगा। ऊर्जा को समेट करके उसको एक अनुशासित रूप देने की ज़रूरत है। जैसे एनर्जी को आप इकट्ठा करके, एनर्जी तो बहुत है समाज, आप देखो सोलर एनर्जी के रूप में सूर्य की ऊर्जा, लेकिन जब तक आप पैनल लगा करके उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपके अंदर आदमी के अंदर भी बहुत टैलेंट है, बस समय जरूरत यह है उस टैलेंट को सही दिशा में चलने का। इसलिए एक सर आखिरी प्रश्न भी पूछूंगा और बच्चों के लिए आपसे निवेदन भी करूंगा कि कई बच्चे क्या होता है कि उनके पड़ोस का बच्चा है या आसपास का बच्चा है, वो इस डिप्रेशन में हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक हैं या हमारे पास इस तरह के कपड़े नहीं हैं, इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, बहुत सारे अभावों
के कारण वो जो है सोचने लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या परेशान होते हैं या कुंठित रहते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है, जो आपने कहा उनका जो टैलेंट है, वो एक जगह नहीं हो पाता है, वो किसी दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके टाइम पे तो लालटेन ढिबरी इसी में पढ़ाई होती रही होगी, तो जब आप जैसे लोग या और भी तमाम ऐसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अभाव में ही वो अपनी ऊर्जा को बिखेर दें या फिर एक जगह होकर के उन अभावों से परे हट करके हम इसमें आप बात करें। आपकी बात से मैं बिल्कुल, ये बहुत ही समय के हिसाब से बहुत उचित उत्तर है इसमें। जैसे हम लोग, हम अगर अपने जीवन को और उसको जो हमारा पूरा समय गुजरा उसको एनालाइज करें, तो आप किसी भी महापुरुष का पढ़ लीजिए, उसका अगर लाइफ का स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रगल टाइम सबके साथ, संघर्ष सबके साथ रहा है। कोई जो आदमी जिसने संघर्ष किया वही आगे बढ़ा है। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि जिनको सुविधाएं मिली वो नहीं आगे बढ़े। सुविधा को अगर आपने एक अपने सफलता के लिए इस्तेमाल किया वो एक अच्छी बात। देखिए अगर जैसे आप फिर मैं अगेन रामचरित मानस उसमें जब जैसे रामचंद्र से गरुड़ ने पूछा कि सबसे कि दुनिया में सबसे बड़ा दोष क्या है, तो उन्होंने कहा दरिद्रता से बड़ा कोई दोष नहीं, और सबसे बड़ा सत्संग से अच्छी कोई चीज नहीं। तो दोनों चीज, तो दरिद्रता इसका मतलब धन, दरिद्रता से मतलब या गरीबी से आदमी को थोड़ा सा तो होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि अगर कोई भी आदमी, मतलब जैसे मैं पर्टिकुलरली मेरी अपनी सोच रहती है कि पैसे की वजह से कोई आदमी की पढ़ाई बाधित, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो बाधित नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं जो भी संभव। मेरा तो आज के इस मंच आपके माध्यम से ये है कि भाई देखिए संसाधनों का अभाव होता है। हमारे पिताजी के पास भी, हम लोग पांच भाई थे, उनके पास कोई नौकरी, उन्होंने बचपन मतलब बहुत स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, बाद में उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसमें सफलता नहीं लगी, संघर्ष का एक 10-15 साल का दौर रहा। लेकिन हाँ, मैं अपने फादर की इस मामले में तारीफ करूँगा कि उन्होंने कभी हम लोगों को के ऊपर उसका असर नहीं किया। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो आपने सुना, चंद्रभूषण सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि आप जो है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम के आधार पर अपने आप को बनाइए। अभिभावकों से भी आपने कहा कि कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, आप बच्चों को मोटिवेटेड रखिए जिससे वो राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के बेहतर विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे सकें, अपनी पूरी ऊर्जा का पूरा जो सब कुछ देना चाहिए वो दे सकें। तो आप सभी ने सुना, निश्चित तौर पर आपको ये समझ में भी आया होगा कि अपने बच्चों को वैल्यू ओरिएंटेड रखना है और अभाव शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनता है, टैलेंट बाहर आता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है।